हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसूले किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, बेसिक मिसालों से ही बहुत ही जायकेदार कोफ्ते आप बहुत ही आसानी से घर पे बनाकर ट्राई कर सकते हो। ना तो टूटे हैं ना फटे हैं, बहुत ही लजीज कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड, टेस्टी से कोफ्तों की रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्तों का सालन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 300 ग्राम रोखा कीमा ले लिया। कीमे को हमें बिल्कुल फाइन लेना है। कीमा अगर आपका मोटा हो तो मिक्सी में डालते दो तीन बार अच्छे से उसको पीस लें। कीमे को मैंने धोकर स्टेनर में रख दिया था ताकि कीमे का सारा पानी निचड़ जाए। कीमे का हमारा सारा पानी निचड़ चुका है, मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया। कीमे को उठाकर अभी साइड रख देते हैं। कोफ्तों के लिए फ्रेंड्स हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून लिए मैंने चने, चनों का मैंने छिलका रिमूव कर दिया। 1 टी स्पून लिया है खसखस, 1 टी स्पून लिए मैंने नारियल का बुरादा, 1 काली इलायची लेकर मैंने उसके बीज निकाल लिए, 4 लिए मैंने लौंग, 10 से 15 लिए मैंने काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है जीरा, छोटा सा लेमन स्टिक का टुकड़ा लिया है और 2 लिए मैंने हरी इलायची। सारे मसालों को हम मिक्सी ग्राइंडर में डालकर फाइन पीस लेते हैं। हरे मसाले फ्रेंड्स हम पीस कर कोफ्तों में ऐड करते हैं तो बहुत ही जायकेदार कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड्स 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। धनिया को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। 2 से 3 लिए हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैं काट लिया है, 1 लिए मैंने छोटी सी प्याज। इन सबको चॉपर में डालकर फाइन चॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट लिए फ्रेंड्स मैंने 1 प्याज, प्याज को मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लें। ये देखे फ्रेंड हमने चढ़ा है गरम मसाला और खसखस सारी चीजों का पाउडर बना दिया है, ये ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो फ्रेंड्स गरम मसाले का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने खड़े गरम मसाले पीसा है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हम ये फ्रेंड हरा मसाला चॉप करके रखा था, ये ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप कोफ्ते बनाओगे तो बहुत ही मजेदार कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ये सारा प्रोसेस फ्रेंड मैं सिल्पर करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे ही मिर्ची का पीस कर कोफ्ते बना रही हूँ। 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने देसी घी ऐड कर देते हैं। इससे कोफ्ते अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं। सबको फ्रेंड्स हम मिक्स कर लेते हैं कीमे में, अच्छे से मिक्स करें 2 से 3 मिनट तक। बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है कीमे की। आप फ्रेंड्स ज्यादा चने की पाउडर का इस्तेमाल न करें, ज्यादा चने के पाउडर से कोफ्ते फट जाते हैं, इसलिए जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी का इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये रेडी फ्रेंड्स सारे मसाले को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दिया है। और कीमा आपको बिल्कुल बारीक लेना है, अगर कीमा मोटा होगा जब भी कोफ्ते फट जाएंगे। सारे मसाले फ्रेंड्स हमने मिक्स कर लिए, अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाना है इस तरीके से, जिससे तो कीमा हमारे हाथों में चिपके नहीं। जितना बड़ा आपको कोफ्ते बनाना है उस हिसाब से आप कीमा लेना, इस तरीके से आप कोफ्ते बना लें। मैं थोड़ा बड़ा कोफ्ते बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोफ्ते बना लें, छोटे या बड़े। ये देखिए, ये और फ्रेंड्स मैं आपको कोफ्ता बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कोफ्ते बनाओगे तो बहुत ही मजेदार कोफ्ते बनकर तैयार होंगे आपकी, और न फटेंगे ना टूटेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते ऐसे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड सारे कोफ्ते बनाकर हमने तैयार कर दिए। थोड़ा सा हमारे पास कीमा बचा था तो मैंने ये छोटा सा भी कोफ्ता बना दिया है। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने दे दिए कढ़ाई या हांडी, पतीला, कुकर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml हम ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो ऑयल हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है तो थोड़ा तीखेपन पे होता है, तो बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। ऑयल हमारा फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था, ये ऐड कर देते हैं। प्याज का पेस्ट डालकर फ्रेंड्स अच्छे से भून लेते हैं, जिससे ये प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स प्याज को भूनते हुए। इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। प्याज के साथ इसको ही भूनने से 1 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। 1 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स अदरक लहसुन को पेस्ट को प्याज में डालकर भूनते हुए। थोड़े से पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टी स्पून लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टी स्पून लिया है नमक, 1/2 टी स्पून लिया मैंने हल्दी का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लिया धनिया का पाउडर। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। ऐड कर देते हैं, तो मसाले को भून लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। इसे 3 फ्रंट तेजपात के पत्ते ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ मसाले में, जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं। पानी डालकर मसाले को 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। मैं फ्रेंड्स कोफ्तों में
ना ही दही का इस्तेमाल करूंगी, ना ही टमाटर का इस्तेमाल करूंगी। दही और टमाटर का कोरमे और स्टू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्याज की क्वांटिटी कोरमे और स्टू में ज्यादा जाती है, तो इसलिए दही और टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। मिठास को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमने इतनी प्याज का इस्तेमाल कोफ्तों में नहीं किया है जिससे कि हम दही या टमाटर का इस्तेमाल करें। अगर आप दही या टमाटर डाल से हो कोफ्तों में तो आप ऐड कर सकते हो। एक तरह जो से 3 मिनट हो चुका है, मैं ये मसाले को भूनते हुए, मसाला अच्छे से भुन चुका है, कोफ्ते ऐड कर देते हैं। कोफ्तों के साथ भी मसाला हमारा बनाएगा, एक एक करके कोफ्ता ऐड कर दे। बहुत ही मजेदार से कोफ्ते बनकर तैयार होंगे ये, आप एक बार इस मेथड से जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। कोफ्तों में फ्रेंड्स पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ना ही हमें चम्मच लगाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढककर मैं कोफ्तों को पका देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स कोफ्तों को पकते हुए, चेक कर लेते हैं। ये देखे कोफ्तों में कितना पानी रिलीज कर दिया, अभी हमें चम्मच नहीं लगाना है कोफ्तों में। इस तरीके से कढ़ाई पकड़ के इस तरीके से हमें कोफ्तों को हिलाना है जिससे कि ऊपर नीचे हो जाए। कोफ्ते अभी बहुत सॉफ्ट है, चम्मच लगाएंगे तो कोफ्ते टूटने का डर रहता है, इसलिए इस तरीके से हिलाएं कोफ्तों को फ्रेंड्स जब तक पका लेते हैं, जब तक अच्छे से भुनने जाते। ढककर मैं और पका देती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स कोफ्तों को पकते हुए, चेक कर लेते हैं। ये देखें कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे से भुराई पे आ चुके हैं, अब हम इनको चला लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप चलाएं। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं मीडियम कर लेती हूँ, मीडियम फ्लेम पे और मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखे फ्रेंड्स कोफ्ते हमारा ना तो फटा है ना टूटा है, बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कोफ्तों में से। कोफ्ते हमारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुनकर दानेदार हो गया है। कोफ्तों की ग्रेवी पतली करने के लिए हम पानी ऐड कर देते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। आपको ग्रेवी कितनी पतली है कितनी गाढ़ी चाहिए, मैं आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से शोरबा गाढ़ा या पतला रख सकते हो, मेरे यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा चाहते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा गाढ़ा ही शोरबा रखूंगी। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को पका लेते हैं जिससे कि हमने पानी डाला अच्छे से पक जाए। ढककर में 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ। 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। 10 मिनट बाद फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। 2 इसमें साबुत हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा महीन कटा हरा धनिया। बहुत ही लजीज कोफ्ते बनकर हमारे तैयार है, कर लेते हैं मिक्स। मैं फ्रेंड्स आपको शॉर्ट करके दिखाती हूँ कितने बेहतरीन और कितने लजीज कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये देखो फ्रेंड मजेदार से कोफ्ते पककर हमारे तैयार है, ये आप देख सकते हो, ना एक भी कोफ्ता टूटा है ना फटा है, बहुत ही अच्छे से कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। थोड़े से फ्रेंड हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं कोफ्तों को। ये देखे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखे एकदम जूसी सा सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार है, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी कोफ्ते पककर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर